अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रोमाना और आज मैं लेकर आई हूँ न्यू रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ पापलेट मच्छी का सालन कोकनी स्टाइल में। आज सुबह सुबह ही अम्मी जाके लेकर आए भाऊ के धक्के से ये पापलेट मच्छी। ये पूरी मच्छी हम लोग को 250 रुपये में मिली है, तो आज मैं इसको बना रही हूँ कोकनी स्टाइल में पापलेट मच्छी का सालन। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी मच्छी को ये कैसे साफ करते हैं। इजीली ये मच्छी साफ होती है। लेंगे हम लोग ये एक मच्छी पॉपलेट की, इसको रखेंगे कटिंग बोर्ड के ऊपर और यहाँ से इसके जो पंख बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ से कट करेंगे। ये साइड के जो इसके पंख है इसको भी हम लोग कैंची की मदद से इजीली कट करेंगे। पॉपलेट मच्छी में ज़्यादा कचरा नहीं होता है और इजीली साफ होती है। इस तरह से ये भी पंख कट करेंगे, फिर यहाँ से ये पीछे की इसकी मुंह कट करेंगे। यहाँ से इसको कैंची की मदद से ऐसे कट करेंगे। इसके अंदर ये थोड़ा सा कचरा होता है, इसको हम लोग साफ करेंगे और इसके अभी हम लोग बारीक बारीक पीस करके लेंगे। यहाँ पर मैंने फिश को कट करके अच्छे से धोकर ली हूँ, इसको 2-3 बार पानी से अच्छे से धो के लेना है। पापलेट मच्छी का सालन बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 टोमेटो लेंगे, इसको इस तरह से रफली चॉप करेंगे और 2 हरी मिर्ची और यहाँ पर कुछ हम लोग सूखे मसाले लेंगे। 4 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून खोपरे का पाउडर और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 टेबल स्पून अक्खा जीरा लेंगे। तो हम लोग इसको अभी सबसे पहले पीसेंगे। लेंगे यहाँ पर हम लोग मिक्सर का जार और इसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे लहसुन और जीरा। लहसुन और जीरे को हम लोग एक साथ पीसेंगे जिससे हमारे सालन में घमघमाहट आएगी। लहसुन और जीरे को मैंने अच्छे से पीस ली हूँ। अब इसमें हम लोग ये डालेंगे हमारे टोमेटो और हरी मिर्ची। अब इसको हम लोग पीसेंगे। टोमेटो और मिर्ची अच्छे से पीस गई है, अब इसमें हम लोग ये डालेंगे हमारे सूखे मसाले। अब हम लोग ये सभी मसाले को एक साथ पीसेंगे। यहाँ पर मसाला पीस के रेडी है, तो चलो हम इसके सालन बनाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेंगे हम लोग एक बर्तन और इसमें डालेंगे हम लोग 2 टेबल स्पून ऑयल। उसके बाद इसमें डालेंगे ये नमक, 1 टेबल स्पून हम लोग डालेंगे नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार। इसको हम लोग हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें हाथों का टेस्ट आता है। उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें हमारे पीसा हुआ मसाला, इसको भी अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। अब हम लोग इसमें पानी डालेंगे, ये मिक्सर का जो जार है ना इसको ही खंगाल के इसमें पानी डालेंगे। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे, फ्लेम को करेंगे ऑन और ये अब हमारा सालन है जो इसको पकने के लिए रखेंगे। अब हम लोग हाई फ्लेम पे इसको बॉईल आने तक पकाएंगे, इसके बाद हम लोग इसमें फिश डालेंगे। अब सालन को अच्छे से बॉईल आ गया है, अब हम लोग इसमें ये फिश डालेंगे। अब फिश डाल के हो गई है, मच्छी के सालन में खटास बनाने के लिए इसमें हम लोग डालेंगे ये कोकम। अब हम लोग इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब इस टाइप से है ना एक बार रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। इसमें कोकम इसलिए ऐड किया है क्योंकि खटास के बिना मच्छी के सालन में मज़ा नहीं आता है, तो आप लोग भी ज़रूर ऐड करना। कोकम नहीं रहा आपके पास तो इमली ऐड कर सकते हैं, या सूखा हुआ आम रहता है उसको कोकनी में अम्बुस्ती बोलते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी अम्बुस्ती, इसके लिए ऐड नहीं की, मैंने कोकम ऐड की।
उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे ये करी पत्ता, इससे अच्छी खुशबू आएगी सालन में हमारे। अब हम लोग इसको हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि मच्छी जल्दी से पक जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर रेडी है पापलेट का सालन। अब मैं फ्लेम को करती ऑफ और फटाफट से करती हूँ उसको डिश आउट। फ्रेंड्स गर्मा गर्म सर्व हो चुका है पापलेट का सालन, तो आप भी अपने घर पे बनाइए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।